जहां शहर की शान कहे जाने वाले तालाब अब वर्षों से सूखे पड़े हैं, जिससे लोगों को मवेशियों की प्यास बुझाने में खासा परेशानी हो रही है। तालाबों पर अतिक्रमण होने से उसका अस्तित्व खत्म हो गया है। शहर में पानी के निकास का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। मैं जहां पर अभी खड़ा हूं, ये 40 से 50 साल पुराना तालाब है। इस तालाब की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि यहां अभी इंसान और जानवर एक साथ नहा रहे हैं। मैंने इसके लिए शासन से कई बार मांग की, इस बार मैंने लिखित में भी आवेदन किया है, जिसकी एक कॉपी मैंने नगर पालिका में माननीय कलेक्टर महोदय और माननीय मंत्री महोदय को भी प्रेषित की है। 50-60 पुराना है, 50-60 साल। इसका गहरीकरण और साफ सुथरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मोहल्ले वालों को पानी का बहुत दिक्कत होता है और इसी में नहाना धोना एक साथ जानवर के साथ निस्तारी हो रहा है। आई जो तालाबों पर शिपर लोग के माध्यम से करवा रहे हैं, और गहरीकरण का सवाल है तो शासन की महत्वपूर्ण योजना है। सभी तालाबों पर हम लोग गहरीकरण के लिए प्रस्ताव बना भेजे शासन को, जैसे ही स्वीकृति होता है तो अभी जून का महीना ही सफाई हो सकती है और गहरीकरण हो सकता है। हमें जितना भी तालाब है उसका एस्टिमेट बना के उसके गहरीकरण के लिए शासन को भेज चुके हैं। शासन ने अभी कांग्रेस की सरकार जो आई है उन्होंने तालाबों का एस्टिमेट मांगा था कि लाइए तालाबों का साफ सफाई करवाएंगे करके, तो हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी डहरिया के द्वारा शासन को इसका एस्टिमेट बना के भेज चुका है। धार्मिक पारंपरिक